नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करने वाले ऊर्जा ग्लोबल स्टॉक के बारे में। सो गाइस, रिटर्न्स अच्छी खासी टूटती हुई नजर आ रही है। गिरावट जो है दोस्तों वो रुकने का नाम यहाँ पे नहीं ले रही, तो अब मंडे को दोस्तों किस लेवल की जो दोस्तों गिरावट यहाँ पे देखने को मिल सकती है और किस प्रकार की रिकवरी हो सकती है। तो दोस्तों अब क्या आगे का क्या फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग होगा या वीक होगा वो देखना इंपॉर्टेंट रहने वाला है। दोस्तों अभी यहाँ पे देखा जाए तो आज जो मार्केट है दोस्तों वो तेजी में यहाँ पे ओपन हुआ था। अब यहाँ पे देखा जाए तो ओपनिंग जो रहेगी दोस्तों वो 7.75 रुपये से नजर आई थी। अब यहाँ पे गिरावट की प्राइस देखा जाए तो 7.55 रुपये तक भी गिरावट नजर आई थी, पर हाइएस्ट में देखा जाए तो 7.90 रुपये तक देखने को मिली थी। तो अब मेरा फंडामेंटल ये कहता है कि शेयर में वापस से रिकवरी होने का जो चांस है वो यहाँ पे निकल के आ सकता है, क्योंकि दोस्तों पिछले 5 दिनों के अंदर देखा जाए तो जो हाइस्ट प्राइस थी वो 8.25 रुपये के आसपास की नजर आई थी, और गिरावट यहाँ पे देखा जाए तो वो आप लोग को नजर आएगी कि इस लेवल की जो गिरावट है वो आप लोग को इसी टाइम यहाँ पे नजर आई थी। जो 60 पैसे की जो प्राइस है वो आज ऑलरेडी गिर चुकी है। पिछले 5 दिनों के रिटर्न यहाँ पे देखेंगे तो उसमें आप लोग को 6.17% की जो रिटर्न है वो ऑलरेडी टूटती हुई नजर आ रही है। तो अब आगे चलकर दोस्तों अब आप लोगों को सेलिंग के अलावा दोस्तों और कोई ऑप्शन नहीं रहेगा। अगर आप यहाँ पे जो आगे चलकर अगर यहाँ जो पैसा रिकवर अगर आपको करना है तो उसमें आप लोग को दोस्तों 7 से 8 महीने का जो है वो टाइम आप लोग को लग सकता है, क्योंकि शेयर जो है अच्छा खासा क्रेश ऑलरेडी हो चुका है। तो अब आप लोग के लिए दोस्तों अब जो टाइम जो रहेगा रिकवरी का वो रिकवरी आप लोग को लगभग दोस्तों 5 से 7 महीने तो आप लोग को स्पेंड करने ही पड़ेंगे। Q1 तक आप लोग को Q4 से लेकर दोस्तों Q1 तक के बीच का जो गैप रहेगा उसके बीच आप लोगों का पैसा रिकवर यहाँ पे हो सकता है। तो फिलहाल टाइम अगर यहाँ पे 1 महीने का फंडामेंटल भी देखेंगे तो उसमें भी वही नजर आएगा कि 1 रुपये का जो है ऑलरेडी लोअर सर्किट नजर आने वाला, और 11.63% की जो है रिटर्न यहाँ पे ऑलरेडी डाउन जा चुकी है। तो टोटली जो फंडामेंटल है वो काफ़ी ज़्यादा वीक यहाँ पे हो चुका है। तो फिलहाल टाइम दोस्तों अब आप लोगों को या तो होल्ड यहाँ पर रखना पड़ेगा या सेलिंग आप लोग को करनी पड़ेगी। अगर कंपनी या फिर वर्तमान टाइम में डिविडेंड यहाँ पे पे आउट करती है तो वापस से दोस्तों शेयर का रिकवर होने का चांस यहाँ पे बढ़ जाता, और अब आप लोगों को जो है अच्छा खासा बाइंग करने का जो था वो मौका मिल जाता। पर फिलहाल टाइम कंपनी डिविडेंड यहाँ पे आउट नहीं करी, कंपनी यहाँ पे 20.35 रुपये से दोस्तों 7.40 रुपये पर ऑलरेडी गिर कर आ चुकी है। तो टोटली जो फंडामेंटल है वो काफ़ी ज़्यादा वीक यहाँ पे हो चुका है। अब यहाँ पे फाइनेंशियल चार्ट पर भी हम दोस्तों नजर डालते हैं तो उसमें आज इंडियन मार्केट तो अच्छा खासा रिकवर हुआ है, पर यहाँ पे आज कंपनी का फंडामेंटल देखें तो उसमें रेवेन्यू डाउन जाता हुआ वर्तमान टाइम में नजर यहाँ पे आ रहा है। रेवेन्यू नेगेटिव जा रहा है दोस्तों, नेट इनकम पॉजिटिव बनती हुई नजर आ रही है, और नेट प्रॉफिट मार्जिन दोस्तों वो अभी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनता हुआ नजर यहाँ पे आ रहा है। जो अगर कंपनी रेवेन्यू पर ध्यान देती है तो उसमें वापस से शेयर होल्डर्स का जो पैसा है वो टोटली रिकवर होने का चांस यहाँ पे बढ़कर आ सकता है। फिलहाल टाइम दोस्तों अगर अब आगे का क्या फंडामेंटल रह सकता है और मंडे को कितनी तेजी वो अभी आप लोग को चलते हैं स्क्रीन के ऊपर। उससे पहले बता दो दोस्तों चैनल पर फर्स्ट बार डिजिट किया दोस्तों चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना और जानकारी को लाइक। तो दोस्तों अभी यहाँ पे देखा जाए तो कंपनी का जो मार्केट कैप रहेगा वो 400 करोड़ का यहाँ पे नजर आने वाला है। 400 करोड़ का मार्केट कैप, 190 रुपये की स्टॉक्स भी, और 1.01% का जो रिटर्न यहाँ पे वर्तमान टाइम में पे आउट हो रहा है। रिटर्न अच्छा खासा जनरेट हो रहा है। आर ओ यहाँ पे देखा जाए तो वो 0.46% की नजर आ रही है। बुक वैल्यू दोस्तों कम नजर आएगी, 3.27 रुपये वाली, पर वर्तमान टाइम के करंट प्राइस की बात की जाए तो 7.61 रुपये पर दोस्तों मार्केट आज की क्लोजिंग हुई है। पर यहाँ पे देखा जाए तो फेस वैल्यू जो रहेगी दोस्तों 1 रुपये नजर आ रही है। अब यहाँ पे गिरावट की अगर बात की जाए तो 6 महीने से जो गिरावट है वो इस लेवल नजर आई थी। हाईएस्ट प्राइस यहाँ पे देखने को मिलती 12 रुपए वाली, 12 रुपए से ज्यादा देखने को मिली थी, सॉरी 12 रुपए यहाँ पे देखने को मिली, पर वापस से अब गिरावट यहाँ पे देखा जाए तो इस लेवल की दोस्तों जो गिरावट है वो यहाँ पे ऑलरेडी हो चुकी है। अब यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे 60.61 रुपये पर जो मार्केट है वो गिर कर आ चुका है, तो काफी ज्यादा मार्केट डाउन जा चुका है। अब दोस्तों जो गुड न्यूज यहाँ पे निकल के आई है कि कंपनी ऑलमोस्ट डिबेट मुक्त हो चुकी है, जो कंपनी है टोटल कर्ज मुक्त हो चुकी है। अब यहाँ पे देखा जाए कंपनी बार बार यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर रही है, पर कंपनी डिविडेंड यहाँ पे पे आउट नहीं कर रही। सबसे बड़ी गिरावट की वजह जो मानी जा रही है दोस्तों वो यही मानी जा रही है, और जो प्रमोटर्स की जो होल्डिंग है वो भी यहाँ पे क्वार्टर्स में काफी ज्यादा गिर चुकी है, लगभग 0.25% के आसपास, 1.79% के आसपास है। और 5 साल के अंदर देखा जाए तो दोस्तों रेट जो सेल है वो भी यहाँ पे 10% के आसपास यहाँ पे गिर चुकी है। अब आगे चलकर कंपनी का कंपेरिजन यहाँ पे देखें तो कंपनी 8वें नंबर पर ट्रेड करती हुई नजर आने वाली है। अब यहाँ पे उससे के विपरीत यहाँ पे क्वार्टर्स में देखें तो क्वार्टर्स में सेल यहाँ पे थोड़े से रिकवर Q2 से Q3 में बेटर यहाँ पे नजर आई थी, पर क्वार्टर फोर की अगर बात की जाती है तो क्वार्टर फोर में दोस्तों कंपनी का फंडामेंटल रिकवर अच्छा खासा हुआ था। पर अब यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे अच्छी खासी जो प्रॉफिट लॉस की बात की जाए वर्तमान टाइम के, तो वर्तमान टाइम के जो सेल्स है वो 70.30 करोड़ की यहाँ पे नजर आ रही है। मार्च 2022 की अगर बात की जाए तो 72.97 करोड़ की यहाँ पे नजर आई थी। जो कंपनी जो सेल्स है वो दोस्तों मेन जो है मायने यहाँ पे रखती है, तो वो काफ़ी ज़्यादा गिर चुके, तो इसी की वजह से यहाँ पे गिरती हुई शेयर जो है नजर आ रही है। अब कंपनी फिलहाल का टाइम दोस्तों लॉस में तो देखने को नहीं मिल रही है। वर्तमान टाइम में कंपनी के पास जो पैसा रहेगा 2.11 करोड़ यहाँ पर नजर आ रहा है। अब कंपनी के जो टोटली जो फंडामेंटल है रिटर्न सिक्योरिटी यहाँ पे देखने को मिल नहीं रही, और दोस्तों जो
स्टॉक CAGR है वो दोस्तों नेगेटिव में 60% के आसपास यहाँ पे देखने को मिल रहा है। दोस्तों कंपाउंड एंड प्रॉफिट ग्रोथ यहाँ पे देखा जाए तो वो यहाँ पे पॉजिटिव बन रहा है और बाकी जो सेल्स है वो भी डाउन यहाँ पे जा रही है। तो दोस्तों कंपनी के बारे में अपना क्या नजरिया है वो कमेंट सेक्शन में जरूर से बता देना। जानकारी अगर आप लोगों को पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। दोस्तों जो भी चैनल अभी नया है चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना और जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर से कर देना। और आपके नज़र में कोई पेन स्टॉक हो तो उसकी जानकारी कमेंट भी पिन कर देना। एनालिसिस करके आपको जल्दी बता दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय श्री कृष्णा, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस माई वीडियो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।